हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भैया देख लो, खरीदार तो बते रहे हैं जिसके। हाँ, काफी पुराना है। हाँ जी, दिल्ली से लाए थे जी, नया बिल्कुल जी जी, किलोस्कर का है भाई, देख लो। इसकी खूबी एक है जी जी कि ये जब से हम लाई ये फुका ही नहीं हमारा। अच्छा, फुका ही नहीं? नहीं जी, ये फुका ही नहीं। उसके बाद हमारे भैया के ससुरालिया ले गए, सब कुछ दिन चला, ये चला हुआ आज लगभग 1200 घंटे के आसपास चला हुआ आज। नहीं लिया था जी जी, नहीं लिया जी। अच्छा, इससे पहले फोर्ड 3600 चलाया? इससे पहले 265 महिंद्रा था जी। अच्छा अच्छा, उससे पहले फोर्ड 3600 था जी। जी जी, उससे पहले आईसर था जी। तो महिंद्रा जैसे चला रहे, मतलब कुल मिलाकर बढ़िया। महिंद्रा से अच्छा ट्रैक्टर लगाई ना जी, फोर्ड लिया हमने जी। जी जी, उनने हम ही फोड़ दिए। कोई बात नहीं, तो भाई देख लो। अच्छा, चार कमरे बनाए थे जी आपने ना? हाँ जी, चार कमरे। हाँ, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, बीच में बीम लिया जी आपने? बीच में बीम लिया इस पे डिजाइन? हाँ जी, इनकी दूरी ज्यादा थी तो इस। हाँ नहीं, वो लटकवा वाला भी लिया है। हाँ जी, लटकवा। हाँ, तो इसमें भी डिजाइन बनवा दिया जी। जी हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो भाई ये देख लो, लेकिन दिखाते हैं पुराना, हमारे पिताजी का, बाबा जी के जमाने का बना हुआ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये देखो भाइयों, ये तो हमारा नया मकान है जी, जो अच्छा अच्छा बनवा के चले गए। जी 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 जी, और ये हमारा पुराना बहुत नीचे में आ गया जी। हाँ, गहरे में आ गया, लेकिन हाँ, तोड़ा नहीं जी। हाँ, लेकिन हाँ, उन्हें इससे प्यार बहुत था जी, पुराने मकान से। हाँ बिल्कुल, वो कह गए भाई इसे तोड़वाइयो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाइयो, ये कड़ियों का मकान जो है, बहुत कम किसानों के पास में बस रहे अब, और अपने पिताजी के इसमें इन्होंने, ये देख लो भाइयो, ये कड़ियों का मकान बहुत कम। हाथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों, मैं पहुँचा हूँ नंगड़ामल गांव में, और भाइयों आज आपको एक ऐसे शौकीन किसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने गांव में सबसे पहले ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की शुरुआत करी, और आज भी जो है हमारे भैया जी डबल लाइन ट्रेंच द्वारा गन्ने की खेती कर रहे। तो सबसे पहले मैं इनके घर पर आया हूँ, तो पहले तो इनके सभी कृषि यंत्र दिखाऊँगा मैं आपको, इनका घर दिखाऊँगा, उसके बाद में भाइयों इनके गन्ने के वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं भैया जी से मिलवा दूँ एक बार, परिचय करा दूँ एक बार। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है भैया जी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तो एक बार आप अपना परिचय करा दो किसान भाइयों को। मेरा नाम आशीष कुमार जी जी, गांव का नाम नंगलामल और पिताजी का नाम श्री वेदपाल सिंह जी जी। तो भैया जी, लगभग आप जब से मतलब फैक्ट्री लगी जी, तो आप तो जब से ट्रेंचर लगा रहे ना करना? हाँ, उसी के बाद ये मील वाले ट्रेंचर लाए थे जी, उसी से हमने सबसे पहले 4 बीघे बोया था जी जी जी। तो उसमें जो है लगभग 5 से 10 क्विंटल बीघे का फालतू निकला। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसी लग गए। तो गांव में और नहीं लगा रहे हैं किसान? गांव में हमारे चाचा जी का लड़का लगा रहा है, एक आध जो मांग के ले जाओ वो, लेकिन वो जो है सक्सेस नहीं हो पाते, न जाने क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, फिर वो सामान्य भी आ जाते हैं, लेकिन हम इसी को लगा रहे। तो अभी आपने अपना बड़े कृषि यंत्र द्वारा कर रहे जी अपना? हाँ जी, इन्हीं से कर रहे हैं। हाँ जी, तो भाइयों एक सबसे बड़ी बात और, डबल लाइन ट्रेंच जो है किसान अपने जो बड़े उपकरण हैं उनके पास में, अपने ट्रैक्टर वगैरह उनसे ही कर सकते हैं आसानी से। तो अभी जो है मैंने घर में जो है ट्रेंचर का वो अच्छा गया हुआ जी जी। तो भाइयों देखो, सबसे पहले हाँ इनका ये टीलर हो गया, आ जाओ जी एक बार। ये कहाँ का जी टीलर आपका? ये हंस का जी। अच्छा, हंस वालों का? जी हाँ जी, हंस वालों का जी जी। तो भाइयों देखो, ये हंस का टीलर है, काफी पुराना जी, बहुत पुराना जी, फोर्ड ट्रैक्टर था 3600 पे। अच्छा अच्छा, तब का जी, जब का जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा भाइयों देखो, पीछे इनका ये मांजा हो गया, ये मैनी वालों का मांजा जी। अच्छा, मैनी वालों का। और भाइयों ये गन्ना जुताई के लिए? ये हंस वालों का ही गन्ना जोतने वाला जी। अच्छा, हंस वालों का जी। हाँ जी। और ये रेजर जो है ये मैनी वालों का जी। अच्छा, मैनी वालों का जी जी। अच्छा, इनका भी हैरो कार, उसका बड़ा अच्छा। मैनी वाला हंस वालों के बराबर में है? हाँ, इस रोड पे पड़ता है, मैन पे। अच्छा अच्छा। तो भाइयों, भैया जी के पास में महिंद्रा 575 DI ट्रैक्टर हो गया। तो ये कौन सा मॉडल है भैया जी? ये 2017 है जी। 2017 मॉडल जी। जी, कितने घंटे चला दिया एक बार सामने आ जाओ? ये चला हुआ आज लगभग 1200 घंटे के आसपास चला हुआ जी। नया ही लिया था जी? जी नया ही लिया जी। अच्छा, इससे पहले फोर्ड 3600 चलाया? इससे पहले 265 महिंद्रा था जी। अच्छा अच्छा, उससे पहले फोर्ड 3600 था जी। जी जी, उससे पहले आईसर था जी। तो महिंद्रा जैसे चला रहे, मतलब कुल मिलाकर बढ़िया। महिंद्रा से अच्छा ट्रैक्टर लगाई ना जी, फोड़ लिया हमने जी। जी जी, उनने हम ही फोड़ दिए। अच्छा, बहुत खर्चा आज। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले जब से ये लिए महिंद्रा के, हाँ जी, बस जीरो मेंटेनेंस है जी। मेंटेनेंस तो कम है इनका? बिल्कुल जी। अच्छा, डीजल का भी ठीक है? डीजल भी बहुत बढ़िया लेता है, बहुत कम जी। जी जी, कितने घंटे चल गए भैया? ये 1200 करीब चल गए। एक बार आवाज सुनो, आवाज न्यूट्रल कर लियो जी। तो भाइयों देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर की साफ सफाई, गजब
बाजी। तो गन्ने वन्ने ट्रैक्टर से डाला करो जी? हाँ जी, गन्ना ट्रैक्टर। अच्छा, इसी से? जी जी जी। और भाइयों, ये इनका इधर ऑल्टरनेटर हो गया, अब तो जरूर पड़ती ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों, साल से तो बिल्कुल एक हेल्टिक चीज इनकी देखो, किलोस्कर का ये मोटर रखा, पट्टे की ट्वेल का। अच्छा, आज तक रख रखा जी? नहीं जी, बेकाई नहीं, पापा जी मना कर गए भाई, ये नहीं करना। अच्छा, पापा जी का क्या हुआ था? पापा जी को हार्ट अटैक आ गया था जी उससे। अच्छा, कितने दिन हो गए? 4 साल हो गए, 2018 में। चार साल। तो मतलब जो पापा जी ने कह रखा अपना सब सामान पापा वही करते हैं जी, हम जो पापा जी कह गए उसी। नहीं होना भी चाहिए, देखो जब उन्होंने अपने आप रखा तो मतलब ये कोई भारी थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई देख लो, खरीदार तो बता रहे हैं जी इसके। हाँ, काफी पुराना है। हाँ जी, दिल्ली से लाए थे जी, नया बिल्कुल जी जी, किलोस्कर का है भाई, देख लो। इसकी खूबी एक है जी जी, कि ये जब से हम लाए ये फुका ही नहीं हमारा। अच्छा, फुका ही नहीं? नहीं जी, ये फुका ही नहीं। उसके बाद हमारे भैया के ससुरालिया ले गए, सो कुछ दिन चलाने को दे दिया हमने जी जी। तो वहाँ भी अभी तक भी नहीं चला। हाँ जी, कंपनी का मोटर है ना जी। हाँ जी। तो भाइयों, इधर इनका हो गया रोटर वेटर, महिंद्रा वाला का होगा जी? महिंद्रा वालों का रोटर है जी। अच्छा, ये भाइयों रोटर वेटर हो गया 7 फुटा 6 फुटा होगा ये? 7 फुटा जी, कम से लग रही थोड़ा। 7 फुट ही है। तो भाइयों, महिंद्रा वालों का 7 फुट रोटर वेटर हो गया। अच्छा, महिंद्रा वाला ठीक चला है महिंद्रा ट्रैक्टर पे? हाँ, बढ़िया चले। हाँ जी, बिल्कुल। शक्तिमान का थोड़ा हार्ड हो जाए, शक्तिमान का थोड़ा लोड लेके चला है ट्रैक्टर पे, यूं सही चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये इनके पास में हैरो होगी, ये कहाँ के जी? ये एक मिस्त्री है जी, गोकलपुर के, करीमुल्ला। करीमुल्ला, उनकी हैरो बड़ी फेमस है, इधर उधर को भागती नहीं है जी। अच्छा अच्छा, जम के चला है मतलब? हंस वालों की बेक के हमने फिर ये ली थी, वो इधर उधर को भाग गई। अच्छा, नाम ही है जी अभी? हाँ जी, भैया गोकलपुर में है मिस्त्री जी। जी, बहुत अच्छा मिस्त्री है, बहुत बढ़िया जी। और भाइयों, इधर जो है ये अभी अपने खड़ा जी, ये ताऊ जी का। अच्छा, ताऊ जी का। हाँ जी। तो भाइयों, ये इनका पास में जो है ये डबल लाइन ट्रेंचर है, देख लो। तो भैया, इसमें बीच की चौड़ाई कितनी है जी? ये 11 इंच है जी। अच्छा, बीच में 11 इंच रहता है? बीच में 11 इंच। तो और यहाँ से यो 5 फिट का जी? जी, बीच। अच्छा, तो इसमें 11 इंची में तो फिर खुरपी वगैरह से लड़ाई करवानी पड़ती होगी जी? हाँ, इसमें पहला वाला जो था जी हमारा 9 इंची का। हाँ जी। तो उसमें तो खुरपे से, इसमें थोड़ा सा यही गड़बड़ है। हाँ जी, नलवानी खुरपे से पड़ती है जी। इसमें चौड़ाई बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आने की। हाँ, यो बीच की कम कर दो, ये 42 कर दो, 48 कर जी, दो जी, जी। और उसमें 24 का कर लो, गैप 24 का कर लो, 26 का कर लो, या उससे कम फिर 18 का कर लो, उसमें ऐसा हल से या कल्टीवेटर से काम हो जाएगा। सही बात है जी, खुरपे का ज्यादा खर्चा होगा। तो ये काम बनवाया था जी? ये है जी, मेरा ठेकरो वालों का। अच्छा, मेरा ठेकरो वालों के बराबर में है जी जी, मेरा ठेकरो। अच्छा अच्छा, वहाँ का बनवाया जी? हाँ, साई का बनवाया जी। अभी पिछले साल ही बनवाया? अभी इसी साल बनवाया जी। अच्छा, कितने रुपए लग गए? ये आया जी लगभग 20-21 हजार रुपए का जी। अच्छा, 20-21। हाँ, चौका भारी बना रखा। हाँ जी, हाँ जी। ये पहला लिया था, ये कम का था जी। ये भाइयों, ये 17 हजार रुपए का लिया जी। जब ये पहला है, देखो इसमें 9 इंची का बीच वाली लाइन जो है, और भैया जी ने अब इसमें 2 इंची बढ़ा पाए, अब का इसमें बदलाव करवाओ जी, कह के उनसे ही, ठीक है ना? हाँ, 18 इंची भी हो जाएगा ना, 18 भी हो जा तो उसमें आपका कल्टीवेटर या हल निकल जाएगा जी। तो भाइयों, ये तो कृषि यंत्र थे भैया जी के। अच्छा अच्छा, ये लान काटने वाली मशीन रह रही। तो ये तो, ये भी मशीन भी पुरानी होगी जी आपके पास में बहुत? ये है जी 2002 मॉडल है जी। 2002 मॉडल जी जी। ये देख लो भाइयों, थ्रेसर है, गेहूँ निकालने वाली मशीन। अब निकालते नहीं है। हाँ, आप लोगों ने खड़ी कर रखी, तो यो भी नहीं देनी? नहीं देनी, नहीं जी। मतलब जो सामान है अपना। हाँ जी, रखना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मकान आपका मतलब? हाँ जी, आ जाओ, मकान दिखाते हैं, पुराना हमारे पिताजी का और बाबा जी के जमाने का बना हुआ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये देखो भाइयों, ये तो हमारा नया मकान है जी, जो अच्छा अच्छा बनवा के चले गए जी 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 जी। और ये हमारा पुराना बहुत नीचे में आ गया जी। हाँ, गहरे में आ गया, लेकिन तोड़ा नहीं जी। हाँ, लेकिन उन्हें इससे प्यार बहुत था जी, पुराने मकान से। हाँ बिल्कुल, वो कह गए भाई इसे तोड़वाइयो ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों, ये कड़ियों का मकान जो है बहुत कम किसानों के पास में बच रहे अब, और अपने पिताजी के इसमें इन्होंने, ये देख लो भाइयों, ये कड़ियों का मकान बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में, और कलर वगैरह करा के बढ़िया तरीके से मेंटेन करा रखे। ये देख लो गेट वगैरह भी। अच्छा, तो ये नंगलामल शुगर कॉम्प्लेक्स? हाँ जी, ये हमारे पिताजी को मिला था जी। अच्छा, इनाम में जी? हाँ। अच्छा, गन्ने में जी? गन्ना, हाँ, गन्ना पैदा करने में जी जी जी। तो भाइयों, ये इनके पिताजी हो गए, देख लो सामने। और भाइयों, ये इनके बड़े भाई हो गए जो मवाना शुगर मिल में है।
तो जी ये मोहाना मील ना, ये बढ़िया बात बताई आपने कि मतलब नंगला मल मील में जो जो था जी, जी जब हमने बैनाम में करे थे हमारे पिताजी वगैरह ने, हाँ जी जी, तो ये था जी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। हाँ, एक सदस्य को एक नाम पर नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये तो गांव में देनी थी नौकरी, प्रदूषण तो गांव में दी थी, तितावी और मवाना में थी, गांव में एक भी लड़का नहीं, गांव का यहाँ कोई नहीं रखा जी, नहीं रखा जी, बड़ा हार्ड इनका वो था जी। हाँ जी। तो भाइयों बहुत ही अच्छा देखो मकान आज तक मेंटेन करके, तो इसे बता गए जी बाकी इनको ये रखना है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो जी बहुत बढ़िया। नीचा पड़ रहा पानी। हाँ नहीं, नीचा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और भाइयों इधर देख लो सामने ही ट्रेल वगैरह लगवा रखी है, देखो। आ जाओ, देख लो अंदर आ जाओ। अच्छा ये बाद में बनाया जी आपने फिर, है ना? हाँ जी। ये देखो भाइयों पत्थर वगैरह गजब का, पर कोई बात नहीं। तो भाइयों देख लो, अच्छा चार कमरे बनाए थे जी आपने, है ना? हाँ जी चार कमरे। हाँ नहीं बहुत बढ़िया जी गजब। अच्छा बीच में बीम लिया जी आपने, बीच में बीम लिया इसमें डिजाइन? हाँ जी, इनकी दूरी ज्यादा थी तो इस। हाँ नहीं, वो लटकवा वाला बीम लिया है। हाँ जी, हाँ जी, लटकवा। हाँ, तो इसमें भी डिजाइन बनवा दिया जी। जी हाँ बहुत बढ़िया जी। तो भाई ये देख लो, लेकिन एक इनकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि मकान में इसलिए दिखा रहा कि अपने जो बड़ों की धरोहर इन्होंने नया मकान जरूर बनाया, लेकिन वो भी बचा के रखी अपनी, देख लो। और आप इसमें वीडियो में व्यू भी देख लियो, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है, प्यारा भी लग रहा। तो भैया जी के मैंने सारे तो कृषि यंत्र भी दिखा दिए आपको। और अरे भैया घर भी दिखा दिया आपको। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।